Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. बैंकों की मिलीभगत से फर्जी कागजात के आधार पर मोटी धनराशि के लोन लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने के आरोपी आमिर मलिक को बीती रात मेरठ की नौचंदी थाना पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बेहद दिलचस्प तथ्य यह है कि डबाई नगर में रहने वाले इस आरोपी आमिर मलिक ने दो दिन पहले ही अपनी बहन की शादी बेहद धूमधाम से की है। 1,21,00,000 रुपए नगद देकर वह चर्चा का केंद्र बन गया है। बीते दिवस इस फर्जीवाड़े के शिकार फार्माजैन लाइफ साइंसेज के निदेशक फारूक अंसारी व अन्य ने नौचंदी थाने में जाकर इसकी शिकायत भी की है। इन लोगों का दावा है कि फर्जीवाड़ा कर इस आरोपी ने बैंक से लोन लिया और भुगतान न होने पर बैंक ने उनका मकान सील कर दिया। उन्होंने इंसाफ की गुहार की है। उधर नौचंदी थाना पुलिस ने आमिर मलिक के हिरासत में लेकर पूछताछ की बात तो स्वीकार की है, लेकिन जांच जारी है यह कहते हुए विस्तृत जानकारी देने से फिलहाल इनकार कर दिया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए पहले देखते हैं दो दिन पहले हुई शादी की कुछ वीडियो। 35,00,000 51,000 रुपए है। गाड़ी के भैया 35,00,000 रुपए। इसकी लड़की है, बता दो लड़की, बताओ भाई जी। दीन मोहम्मद मरहूम माशरे वालों की लड़की, 27 तारीख की शादी है। और रिहान का लड़का, रिहान मलिक चंदेड़ी वालों का लड़का। लड़की है गाड़ी दीन मोहम्मद की और भैया लड़का है रिहान का। 27 फरवरी रात का प्रोग्राम। पैसे बोल रहे, कितने कितने बताओ। 35,51,000 रूपए भाई, यह विवाह मेरठ गढ़ रोड स्थित किंगडम वेंकट हॉल में हुआ है। एक वीडियो के मुताबिक इस विवाह में जूता चुराई रस्म में भी कार गिफ्ट की गई है। उधर नौचंदी थाने में फारूक अंसारी ने यह जानकारी दी। 2010 में मेरे फादर ने एक मकान खरीदा था जिसमें दुकानें थी और पीछे रिहाइश थी। उसमें 2010 से यानी 12 साल हो गई हमारे पास ही है वो। और अभी नवम्बर 2021 में बैंक वाले आए, उनके साथ में पुलिस वाले, वो बोले कि जिस मकान पर तो लोन है। हमने कहा कि यहाँ तो कच्ची कॉलोनी है, लोन मिलता भी नहीं, यहाँ पे लोन किसको दे दिया। जब उन्होंने काफ़ी बहस हुई उनसे तो उन्होंने बताया कि जी आमिर मलिक नाम का आदमी है, उसने लोन लिया इस पर। उसमें उसने क्या काम किया, 2015 में फर्जी रजिस्ट्री लिए और फोटोग्राफ और फर्जी हाउस टैक्स, फर्जी अपने फादर का वारिसान बनाया उस पर। इसके वारिस तो हैं 12 इसके फादर के, उसमें जो फर्जी वारिसान है उसमें 5 वारिसान दिखाए और पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली रोड की शाखा से 30,00,000 का लोन ले लिया, जो बढ़कर करीबन अब 60,00,000 रुपये हो रहा है। 8 नवंबर 2021 को बैंक ने ये सील कर दिया। अच्छा, बैंक पुलिस बल पे, बैंक की पिछली बार भी आया था सील लगाने के, क्या ये वही दुकान है आपकी? हाँ जी, वही दुकानें हमारी हैं जो 8 नवंबर 2021 में सील की थी, जिसमें बैंक की और इनकी आमिर मलिक की दोनों की मिली भगत थी, जिसमें इन्होंने ये फ्रॉड करके हमारे साथ में चीटिंग की है। ये बहुत इसका पहले से ही लोन का काम है, अपने मकानों पे भी इसने लोन ले रखे, अपनों पे ले कोई दिक्कत नहीं, हमें दूसरों के मकानों पे लोन ले रहा है। और बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं इस पे जो टीपी नगर थाने में भी दर्ज हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक से ही कनेक्शन है इसका? ना, इसका सब बैंक से लोन है। बैंक पे भी कुछ आरोप? हाँ, बैंक वाले भी मुलजिम है इसमें, बैंक वाले भी मुलजिम है, उनकी अधिकारियों की भी जाँच हो रही है। अधिकारी जो मुलजिम है विकास तोमर नाम है मैनेजर का, जो इसमें इसकी सपोर्ट कर रहा है, विकास तोमर के खिलाफ भी हमने FIR लिखाई है जी। इसमें इसकी माँ हज्जन जो है वो मुलजिम है, इसका भाई हज्जन सायरा है इसकी माँ वो मुलजिम है, इसका भाई है सलमान वो मुलजिम है। बैंक पे भी आरोप लगा तो किस तरीके से लापरवाही? बैंक ने फर्जी लोन दिया इसे फर्जी कागजों के आधार पर, ये नहीं देखा कि वारिसान इसके 12 वारिस हैं, इसने 5 वारिसान फर्जी जो DM कार्यालय ने लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ वारिस प्रमाण पत्र, इसके DM कार्यालय से जारी नहीं हुआ। नगर निगम ने लिख के दे दिया कि ये हमारे हाउस टैक्स है ही नहीं नगर निगम मेरठ का, सब फर्जी कागजों के आधार पर लोन किया, बैंक वाले की मिली भगत से लोन हुआ। पिछली बार मैं भी मौके पर था,
बैंक वाले से घर पर पहुंचे तो नोटिस चस्पा किया था, उसमें बैंक ने क्या किया उसमें? वो घर पे नोटिस चस्पा कर दिया, इसकी तो प्रॉपर्टी गई नहीं, प्रॉपर्टी बैंक की ने सील की हमारी, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बैंक ने प्रॉपर्टी सील हमारी की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।